पीतल नगरी के नाम से देश दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद के निर्यातकों की औद्योगिक समस्याओं का निराकरण हो सके, इसको लेकर आज एक निर्यातक सम्मेलन का आयोजन मुरादाबाद में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने निर्यातकों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए समस्याओं के जल्द निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक जनपद के उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को टूल किट और चेक का वितरण भी किया। इस दौरान मंच से निर्यातकों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने प्रैक्टिकल आइडिया सरकार को दीजिए, सरकार पर अपना धैर्य और भरोसा बनाए रखिए, हम अपनी योजनाओं से चाइना को जरूर बीट करके रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम पर आत्मनिर्भर पैकेज है, हमने सूक्ष्म लघु एवं माध्यम की नई इकाइयों ऑनलाइन लोन मेला से 31,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज को दिलाया है, 10.5 लाख MSME को फायदा पहुंचाया है। इस मौके पर खादी ग्राम उद्योग मंत्री गोपाल अंजान, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह तथा भारी संख्या में निर्यातक मौजूद रहे, जिसमें कि अंडरग्राउंड कोई सर्विसेज वगैरह डालने की बात होती है तो जरूर शहर में कंजेशन हो जाता है और उसको लेकर के थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं लोगों को, लेकिन धीरे धीरे जैसे जोन वन का काम कम्प्लीट हो गया तो एक इससे जो है जो राम गंगा नदी है वो काफ़ी हद तक पॉल्यूशन फ्री होगी, क्योंकि तो STP भी लग गया 56 MLD का और वो अपनी जो जितना भी उसमें लगभग 25 या 25 MLD के आसपास कैपेसिटी में चल भी रहा है, तो आगे जब हमारा जोन वन पूरा हो जाएगा, अभी मुश्किल से 3 किलोमीटर की सीवर लाइन और बची हुई टुकड़ों में, बाकी काफ़ी हद तक जोन वन कम्प्लीट हो गया है, पूरा शहर 4 जोन में डिवाइड किया गया है, तो धीरे धीरे और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इससे रिलेटेड हैं वो होते रहेंगे सर। मुख्य रूप से जो मैंने जो मतलब बाकी जो है हमारे निर्यात प्रोत्साहन के जो हमारे डायरेक्टर साहब डिप्टी डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया है आप लोगों को बहुत सारी योजनाओं के बारे में, GMDIC ने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया सर, ऑलमोस्ट सर हम लोग ODOP में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में और प्लस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो हमारा मार्जिन मनी का लक्ष्य था वो सर कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, और हमेशा जो है यहाँ पे उद्यमी जो है वो सारी लगभग योजनाओं में काफ़ी उसका जो है लाभ उठाते हैं सर। देखिए जो लोग जाति और बंटवारे की असंप्रदायिक राजनीति करते हैं वही लोग विरोध करते हैं, और हमारा तो मानना है ही, हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप सोचिए कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आ गए, क्यों नहीं गए? लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे ना 64 में, उसके बाद कौन क्यों नहीं गया? इसका जवाब तो कांग्रेस वालों को देना चाहिए। वो जो चल रहे हैं बातचीत चल रही है उस पर मैंने अभी कौन सा चैलेंज आपने कहा 22 में, मैंने तो कहा है कि भाई 22 के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का की कहावत का नाम बदल दिया जाएगा केजरीवाल के हसीन सपनों।